हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बात्स लव और मिस्टर आशुतोष में। आशा करता हूँ आप और आपका बात सब सही सलामत है। तो आज का टॉपिक है बेंगल फिंच या सोसाइटी फिंच का मेल फीमेल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो हम बताएंगे। तो जो लोग बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं बात्स के बारे में, तो वो लोग देख के बता सकते हैं कौन मेल बात मेल है और कौन सा फीमेल है। पर एक बिगिनर्स के लिए ये पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले एक बार या दो बार या तीन बार आप एक एक केज में एक एक बर्ड को छोड़ देंगे, बेंगोली फिंच को छोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ दो केज में एक एक बेंगोली को रख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे केज में जहाँ पर बेंगोली फिंच आपका है, जैसे मेरे यहाँ पर इस केज में है, ठीक है, तो यहाँ से मैं एक बेंगोली फिंच को पकड़ूँगा, यहाँ से कोई भी एक फिंच पकड़ूँगा। मेल फीमेल पहचानना वो यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी बेंगोली को पकड़ लूँगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में इसके बाद में देखेंगे, मैंने एक बेंगोली फिंच को पकड़ लिया है, ठीक है। अब इस फिंच को क्या करेंगे, बेंगोली को जो केज में मैंने एक एक बेंगोली फिंच रखा है, पहले एक केज में इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ने के बाद हम थोड़ी देर बैठ के हम ख्याल करेंगे कि कोई बेंगोली इस तरह कॉलिंग करना शुरू कर देगा। तो जो बेंगोली इस तरह कॉलिंग करना शुरू कर देगा तो आप समझ लीजिएगा वो कन्फर्म मेल है, ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरह कॉलिंग कर रहा है, जिस तरह अपने शरीर को फुलाकर मेल जो बर्ड से वो कॉलिंग करना शुरू कर देगा। अब उस बर्ड दूसरा जो बर्ड हमने छोड़ा है उस बर्ड को फिर पकड़ के हम दूसरे जो एक सिंगल बेंगल फिंच है हम उसको वहाँ पे छोड़ देंगे। छोड़ के क्या करेंगे, फिर एक ही तरह से हम फॉलो करेंगे कि कोई बेंगोली कॉलिंग कर रहा है कि नहीं। अगर कोई कॉलिंग कर रहा होगा तो समझ लीजिएगा वो कंफर्म मेल है। और मैक्सिमम आधा घंटा अगर फॉलो करेंगे कि कोई भी कॉलिंग नहीं कर रहा, समझ लीजिएगा वो फीमेल है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह नया वीडियो आपके मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो आने पर आप पहले देख सकें इस वीडियो को।